यार आपको क्या लगता है, क्या ये तेज धार वाली कुल्हाड़ी गन वाली बुलेट को दो भागों में बांट देगी या फिर कुल्हाड़ी ही बर्बाद हो जाएगा? और तब क्या होगा यदि हम ढेर सारे सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के बीच में रख दे तो? गाइस इससे भी बढ़िया से बढ़िया एक्सपेरिमेंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन सभी एक्सपेरिमेंट को आप घर पर दोहराने की कोशिश ना करें। तो फिर चलिए देखते हैं आज की पांचवी एक्सपेरिमेंट, लिक्विड नाइट्रोजन रॉकेट। गाइस आप इस वीडियो क्लिप को देखकर या सोच रहे होंगे कि आखिर ये रॉकेट कैसे बनाई जाती है जो आसानी से कहीं भी लॉन्च कर दिया जाता है, और आखिर इसके पीछे का फंडा क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का राज। दोस्तों मैं अगर कहूँ कि रॉकेट बनाने से आसान कुछ और नहीं है तब क्या आप इस बात को मानोगी? क्योंकि इस रॉकेट को बनाने के लिए केवल एक बोतल और लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए। जैसे ही आप इस बोतल में लिक्विड नाइट्रोजन को डालेंगे और उल्टा करेंगे ये तुरंत ही रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाएगा, और आप इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से क्योंकि आपको चोट भी पहुंचा सकती है। नंबर 4 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस क्वाइंस। यार आपको याद है ना कि एक समय में ये ट्रेंड चला था कि सिक्कों को ट्रेन के नीचे रखने से क्या होता था। वैसे ये तो कानूनी तौर पर गलत है, इसीलिए तो आज हम इन सभी सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के बीच में रखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि आप सभी से हाइड्रोलिक प्रेस की पावर से तो भली भांति परिचित होंगे जो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं छोड़ता, सभी को चकना चूर कर देता है। लेकिन क्या ये सिक्का यहाँ जीत पाएगा? चलिए देखते हैं। इसी तरह से भी जब इन सिक्कों को हाइड्रोलिक प्रेस के नुकीले सिरे के सामने रखा गया तब इस सिक्का के साथ क्या हुआ आप तो वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। अब चलिए नंबर 3 वाली एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, बुलेट वर्सेस एक्स। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि तब क्या होगा जब हम एक गन को तेज धार वाली कुल्हाड़ी के सामने फायर करें तो। ऐसा करने से क्या होगा, क्या गोली दो भागों में बट जाएगा? चलिए इसी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि जितनी अवेसम ये वाली एक्सपेरिमेंट है उससे भी बढ़िया आगे आने वाली नंबर 2 और नंबर 1 वाली एक्सपेरिमेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले कुल्हाड़ी को एक जगह स्टेबल कर दिया जाता है और फिर उसी के सीधा में गन को भी रखा जाता है। अब चलिए इस गन को फायर करते हैं, और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं गाइज कैसे तेज धार वाली कुल्हाड़ी गन की बुलेट को भी दो भागों में बांट देता है। और थोड़ा अधिक क्रेजी करने के लिए इन्होंने कुल्हाड़ी के बीच में एक और ब्लेड लगा दिया, और फिर जब इसे फायर किया गया तो आप देख सकते हैं कि ये पावरफुल एक्स इस बुलेट का कई टुकड़े कर देता है। इस अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 पर है आईफोन रोलिंग डाउन। गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ढेर सारे आईफोन को टेप की मदद से टायर पर अटैच कर दिया जाता है, और ध्यान वाली बात यह है कि ये सारे आईफोन बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, और इन सारे आईफोन को टायर में अटैच करने के बाद उसे ऊपर से नीचे धकेल दिया जाता है जिससे ये टायर गोल गोल घूमते हुए नीचे चलता ही जाता है। लेकिन ढेर सारे घास फूस होने के कारण कुछ आईफोन तो टायर से निकल कर नीचे गिर जाता है, और जब इन सारे आईफोन को सामने जाकर देखा गया तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ आईफोन तो बर्बाद हो चुका है और कुछ आईफोन तो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। लेकिन मेरे भाइयों अगर आप कहीं एडवेंचरिंग में गए हो और इस तरह के आईफोन आपको घास फूस में देखने को मिले तब आपका रिएक्शन कैसा होगा कमेंट में लिखना ना भूलें। और फाइनली देखते हैं आज की आखिरी एक्सपेरिमेंट, विंडो ग्लास वर्सेस एक्स। दोस्तों आज की एक्सपेरिमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि तब क्या होगा यदि हम ढेर सारे विंडो ग्लास पर कुल्हाड़ी से प्रहार करें तो। ऐसा करने से क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ढेर सारे ग्लास को इस ऑर्डर में अरेंज करा जाता है और फिर इस पर कुल्हाड़ी फेंका जाता है। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं सारे ग्लास किस प्रकार से स्लोमे में टूट रहे हैं। और सिर्फ पीछे से 2 ग्लास बचा है। वैसे इनमें से आपको कौन सी एक्सपेरिमेंट सबसे बढ़िया लगी है कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।